नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसी बिजनेस में। आज की सुबह यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे HDFC का क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें आप यहाँ पे देखते होंगे सिविल वगैरह में, यहाँ पे क्या सिविल एक्सपीरियंस जहाँ भी आप देखते होंगे, तो उसमें सिविल रिपोर्ट में आपका लिमिट कम बताया जाता है। तो उसको लिमिट को आप अपनी मतलब क्रेडिट लिमिट के बराबर कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट को देखिए, बड़े सुनना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, मेरा ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है और बहुत से लोगों का ये डाउट आता है, बहुत से लोग यहाँ पे बोलते भी है कि भाई यार मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी कम क्यों है, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए है लेकिन सिविल पे दिखा रहा है 25,000 20,000, इतना क्यों दिखा रहा है, और इससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। पड़ता ही है भाई, क्यों पड़ता है ये भी यहाँ पे बता दूँ। देखिए, इफेक्ट के पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 25,000 यहाँ पे सो रही है HDFC की, ठीक है, जो कि करंट पे मेरी यहाँ पे लिमिट है 1,87,000 187,000 यहाँ पे लिमिट है, लेकिन यहाँ पे 25,000 शो हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा यूज कर लूँ, ठीक है 50,000 यूज कर लूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे माइनस में चले जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पे मेरा यूटिलाइजेशन है वो माइनस में चले जाएगा। इससे क्या होगा, सिविल डाउन होगा, सिविल पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि यूटिलाइजेशन हाई दिखाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं करते। बहुत यार मैसेज आता है कि यार ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा और कमेंट भी यहाँ पे आए थे उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चेक करना, अगर आपका ऐसा होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और HDFC से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा आईबटन में, आप देख सकते हैं। HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए, HDFC का जो क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे सेकेंड क्रेडिट कार्ड है, HDFC का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है। तो ये देखिए, यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है, यूज लिमिट मैंने यहाँ पे 2 रुपये यहाँ पे किया था कार्ड यहाँ पे मतलब वेरीफाई करने के लिए। अब इसमें 25,000 की लिमिट दिखा रहा है, अब मैं इसको अगर यूज कर लेता हूँ तो ये मतलब 25,000 और लिमिट है मेरा यहाँ पे 1,87,000, और मैं यूज कर लेता हूँ तो ये माइनस में चल जाएगा, सबका ही जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे पुराना क्रेडिट कार्ड है, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 22,396 रुपये यूज लिमिट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो मैं यूज किया हूँ, क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 1,61,669 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें हाई क्यों दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1,87,000 की लिमिट है लेकिन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, 1,61,669 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब देखिए, इसमें मतलब मेरे हिसाब से सही है, क्यों सही है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 30% के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे 14% मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो यहाँ पे 22,000 कुछ रुपये मैंने यूज किया वो 14% यहाँ पे यूज किया मैंने, और जो कि 30% के अंदर रखना चाहिए। हमेशा अपने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, यूटिलाइजेशन को हमेशा कम करने के लिए आपको क्या करना है कि 30% के अंदर सारे क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, ठीक है। टोटल क्रेडिट यहाँ पे देखेंगे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर सबसे कम रखना चाहिए जितना भी आपको हो सके। अब ये हो गया, अब ये बात करते हैं कि इंक्रीज कैसे होगा। देखिए, जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिले, 1 लाख के मिले, 2 लाख के मिले, जो भी है, इसमें अगर आपको फुल सिविल में यहाँ पे शो कराना है, सिविल में आपके सिविल में एक्सपीरियंस में जहाँ भी आपको शो कराना है फुल लिमिट, जिससे आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन सही रहे और यहाँ पे डाउन ना हो, माइनस में ना जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1-2 बार यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है आपका उसका फुल लिमिट यूज करना पड़ेगा। फुल लिमिट यूज करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, 1-2 बार यहाँ पे डाउन होगा हो सके तो, नहीं तो वो भी नहीं होगा, 1-2 बार आपको यूज करना पड़ेगा, उसका फुल टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। 2-3 बार यूज कर लेंगे, आपका यहाँ पे जितना भी लिमिट रहेगा वो शो हो जाएगा। अभी तक मैंने यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 1,61,000 यूज किया है, तो वो यहाँ पे अब शो होने लगा, ठीक है। इतना अभी मैंने पूरा यूज नहीं किया, पूरा यूज किया होता तो पूरा यहाँ पे शो हो जाता, लेकिन पहले ऐसे मेरा भी था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे मैंने जैसा यूज किया और यहाँ पे शो होने लगा। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं, प्लस अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिविल पे शो करा सकते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड है, उसमें मैंने यूज ही नहीं किया कुछ भी अभी, बस यहाँ पे UPI से लिंक किया है, कुछ यहाँ पे 100 200 300 का पेमेंट करता हूँ, बस हो गया, और उसके अलावा अभी तक मैंने यूज नहीं किया, इसलिए अभी तक 25,000 ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए, आप यहाँ पे यूज करिए, देखिए यूज अगर आप यहाँ पे कोई और क्रेडिट कार्ड करते हैं तो यूज करके देखिए,
यूज करके देखिए, आप एक बार पूरा फुल अमाउंट यूज करिए और फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करिए, एक दो महीने में आपका अपडेट हो जाएगा। अगर ऐसा आपका हुआ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी, क्योंकि और भी लोगों का हुआ, मुझे कमेंट भी आया था, तो मैंने भी अपना यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे पहले मेरा यहाँ पे लिमिट कम दिखाता था वो अभी इंक्रीज होगा, तो मैंने सोचा आपको भी यहाँ पे अपडेट दे दूँ क्योंकि इस प्रोसेस से आपका यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है हाई नहीं होगा। तो ये आप चेक करना एक बार यूज करके एक दो महीना, फिर उसके बाद यहाँ पे सिविल अपडेट होता है। सिविल अपडेट होने के बाद आप देखना कि आपका सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है तो जरूर बताना, नहीं सही दिख रहा है तो वो भी यहाँ पे बताना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। मेरा तो यहाँ पे हुआ है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोनों कार्ड का मैं यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको पता ही है, जैसा कि यहाँ पे आप HDFC का क्रेडिट कार्ड अगर देखते हैं आपके पास यहाँ पे होगा तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रहता है तो यहाँ पे 20,000-25,000 ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा दिखा रहा है जो कि 10-12,000 ही कम है। ठीक है, ये मेरे क्रेडिट लिमिट से 10-12,000 ही कम है, जिसको जितना मैंने यूज किया उतना यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके जरूर ट्राई करके यहाँ पे बताना। और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ डाउट वगैरह रहे तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।